धौलपुर के बाशिंदे घरों में दुबकने के लिए मजबूर हैं। एक दहशत उनकी हर सांस पर भारी है। लोगों को इस आफत से निकलने का कोई रास्ता नजर ही नहीं आता। शहर का अस्पताल हो या भीड़ भरा बाजार, पुलिस का थाना हो या इंसाफ का मंदिर, हर जगह आत्महत्या है। वो धौलपुर की जनता का जीना मुहाल हो गया है। हालात ये हो गई है कि लोग घरों से निकलने से भी घबराने लगे हैं। इस आफत से निजात पाने की लोगों ने हर कोशिश की लेकिन नाकाम रही। आखिर कौन है धौलपुर के लोगों का जीवन नर्क बनाने वाले और जनता की परेशानी पर क्यों चुप बैठा है शासन प्रशासन? आखिर कौन है उत्पातियों का मददगार? धौलपुर के नागरिक दबंगों के किसी गुट से परेशान नहीं है, किसी गुंडे मवाली ने उनका जीना हराम नहीं किया। लोगों की माने तो बंदरों ने उनकी जिंदगी हराम कर रखी है। पिछले दिनों छत पर गई सलमा को बंदरों ने घेर लिया। उनसे बचने के लिए सलमा जब सीढ़ियों पर उतर रही थी तभी उनके पैर में चोट लगी जिसका अब तक इलाज हो रहा है। किससे कंप्लेन करें, वो कहाँ पे जाए, हम कुछ जानते भी नहीं। आपके पैर में कितनी चोट आई? हमारे पैर पे टखना फ्रैक्चर हो गया था। डॉक्टर गुप्ता का इलाज चल रहा और अभी मुझ पे पैसा भी है, एक्सरे भी है, सब है और दवाई भी मैं अभी तक खा रही हूँ। जो हमको दुकानदारी नहीं करने देते, किसी के हाथ में दलाना थे सामान छा ले जाते हैं और हमारे मकान के ऊपर इतना मचा रखा है इन्हें, बर्तन ले जाते हैं, कभी कपड़े ले जाते हैं, दुब्बर कर रहे हैं हमको। सलमा जैसे दर्जनों मामले शहर के अलग अलग इलाकों में घटित हो चुके हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें बंदरों से कोई परेशानी नहीं या जिन्हें बंदरों के उत्पात का अंदाजा नहीं। तभी तो अस्पताल में मौजूद कुछ लोग उत्पातियों को कोल्ड ड्रिंक का चस्का लगा रहे हैं। नए शौक लगाने वाले लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं कि उत्पाती आगे अपने शौक को पूरा करने के लिए किस हद तक उत्पात मचा सकते हैं। ये कार्रवाई का इशू नहीं है, ये तो जागरूकता का इशू है। जनता एक तरफ जो है नगर परिषद से अपेक्षा करती है कि हम अपना जिम्मेदारी निभाएं। जनता को ये जिम्मेदारी निभानी चाहिए कि उनके कौन से एक्शन से उसका क्या असर आने वाला है, ये तो स्वयं उनको जागरूक होना पड़ेगा। तो क्या लगता है अब जो इस तरह से बंदरों को बढ़ रहा है आतंक, उसके लिए अब क्या उपाय? उपाय ये है कि एनिमल एक्ट के तहत जानवरों को तो कोई नुकसान पहुंचाया नहीं जा सकता, लेकिन हाँ ये है कि उस ठेकेदार को दोबारा पाबंद करते हैं कि वो जितने बंदर पकड़ेगा। प्रैक्टिकली मुझे नहीं लगता कि एक साथ एक ही किश्त के अंदर ये सारे बंदर पकड़े जा सके, तो ये तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है रहेगा पकड़ने का। बंदरों से लोगों की सुरक्षा का जिम्मा इलाके की नगर परिषद का है। धौलपुर नगर परिषद का दावा है कि उसने बंदरों से लोगों की सुरक्षा के लिए लाखों रुपए खर्च कर बंदरों को पकड़ने का ठेका दिया। नगर परिषद धौलपुर ने पिछले अप्रैल के अंदर बंदर पकड़ने का टेंडर किया था और उसके बाद जो है बाहर से जो कॉन्ट्रेक्टर्स होते हैं धौलपुर के बाहर के ये आते हैं। अभी फिलहाल दो महीने पहले ही करीब करीब मेरे ख्याल से 80-90 बंदरों को पकड़ा गया था, उनको वन बिहार छोड़ा गया है। और क्योंकि अब बंदरों को भी थोड़ा ज्ञान हो गया है कि जाल जो उनको पकड़ने के लिए है, इसलिए कुछ गैप देते हैं लोग ठेकेदार, जिससे कुछ गैप के बाद दोबारा आएंगे वो उनको पकड़ने के लिए। मेरा अनुमान ये है कि अगले महीने वो ठेकेदार दोबारा आएगा, उसको पकड़ने का कार्य शुरू। अगर धौलपुर की बात करें तो बीते 3 सालों में ठेकेदार ने एक भी बंदर को पकड़ने की कोशिश नहीं की। जाहिर है इस मामले में नगर परिषद विकट घरे में। फिलहाल शहरवासी बंदरों के आतंक से परेशान, जिनसे बचने के लिए उन्हें कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा। नीरज नरवार, समय राजस्थान, धौलपुर।